हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं उज्ज्वल चित्रांश और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है चित्रांश कॉमर्स क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड जनरल एंट्री की ट्रिक्स लर्न करना सिखा दिया था और टू और फ्रॉम का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर ये क्वेश्चन आप समझिएगा। सो हमारा ये क्वेश्चन है और मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ये भी मैंने आपको सिखाया कि हम लोग किस तरह से बड़े क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट बना देते हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक बार क्वेश्चन जो है पढ़ देता हूं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये डीके गोयल की बुक पेज नंबर 2.31 पर है, इलस्ट्रेशन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। तो देखिए, ए और बी है, कैपिटल 5 लाख एंड 3 लाख हो गया। आगे क्वेश्चन में है, द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 वाज 3,46,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो देखिए, मैंने यहां पर लास्ट में मेंशन कर दिया प्रॉफिट को, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट रुपीज 3,46,000। फिर आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसीडरेशन। अब एडजस्टमेंट हमारे पास है सारे। अब देखिए, एडजस्टमेंट मैंने स्टेप बाय स्टेप नोट किए। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ रुपीज 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ रुपीज 1,50,000, मतलब क्या हुआ है कि ए ने फर्म को लोन दिया है। ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन की लाइन कह रहा है, अब आगे 1,50,000 टू द फर्म प्रोवाइडेड ऑन 1st अप्रैल 2018। और टू द फर्म इज मैंने बताया था कि अब इसने यानी कि फर्म को लोन दिया है, कितना 1,50,000। तो अब इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अब आगे आपको यहां पर पॉइंट में बता देता हूं कि अगर हमारे पास इंटरेस्ट का रेट क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो हम यहां पर जो इंटरेस्ट का रेट होता है वो हमारा फिक्स हो जाता है। हमारे लिए यहां पर 6% का इंटरेस्ट यहां पर चार्ज किया जाएगा। सो यानी कि 1,50,000 है, इंटरेस्ट रेट हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो जो लोन का इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 6% होगा। आगे क्वेश्चन में पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट 5% पर एनम। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, दोनों के लिए चार्ज होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट दिया 6% पर एनम एंड द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ ए 60,000 एंड बी 40,000, ये भी क्वेश्चन में दे दिया, मैंने सेपरेट लिख दिया है। फिर आगे क्वेश्चन में, बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स। बी को कमीशन मिल रहा है 2%, वो भी ऑन सेल्स के ऊपर, तो यानी सेल्स का अमाउंट होना चाहिए, उसके ऊपर 2% निकाल दिए। तो क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, सेल्स फॉर द ईयर वेयर 30 लाख। सेल्स हमारे पास पूरे साल का कितना है, 30 लाख रुपीज का। फिर आगे क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट है कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी केप्ट इन अ रिजर्व अकाउंट। मीन्स जो भी हमारे पास प्रॉफिट का बैलेंस आएगा बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर, उस प्रॉफिट का 10% हमें क्या करना है, रिजर्व में रख देना है। और उसके बाद से हमें कैलकुलेट क्या करने के लिए क्वेश्चन में क्या है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि इसको सॉल्व करने की मैं आपको यहां पर सिंपल सी टेक्निक सिखाऊंगा जिससे आपका पूरा क्वेश्चन एक स्टेप में ही सॉल्व हो जाएगा। तो फिर चलिए अपने हम सॉल्यूशन के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी कभी हमारे पास क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आए 2 के साथ और मैनेजर्स कमीशन आ जाए, तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स लोन में जब इंटरेस्ट है तो हम बनाते हैं सबसे पहले पीएल अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट प्रॉफिट और लॉस से रिलेट हुआ और प्रॉफिट और लॉस के लिए हमें बनाना पड़ेगा अपना पीएल अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, हम शॉर्ट में बस पीएल अकाउंट नोट कर दे रहे हैं। और यहां पर हम नोट करते हैं क्या, फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च, और देखेंगे कब हमारा ईयर स्टार्ट हुआ था, 2018 में, यानी एंड होगा 2019 में। ठीक, अब इसके बाद से हम आएंगे फॉर्मेट बना लेंगे अपना पूरा। सो फॉर्मेट में हमारे डेबिट और क्रेडिट साइड हो जाएंगे दो साइड। हम यहां पर सिर्फ आपको सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, तो फॉर्मेट में पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम यहां पर जो है नहीं बनाएंगे, आप अपना बना लीजिएगा सॉल्यूशन में। सो यहां पर हम देखते हैं क्या होगा सॉल्यूशन में। सबसे पहले दिखाते हैं प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो एज इट इज ले जाके हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि प्रॉफिट है, तो लिखेंगे क्या, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ठीक है, कितना है,
3,46,000, तो सेम अमाउंट दिखा दिया 3,46,000, ठीक है। फिर क्या दिखाएंगे, पार्टनर के लोन के ऊपर इंटरेस्ट। और अब देखिए पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, मतलब फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है, और फर्म इंटरेस्ट पे करेगी तो बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर तुरंत लॉस होगा फर्म के लिए, ठीक है। और लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, जर्नल एंट्री में मैंने आपको सिखाया था। यहां पर हम इस साइड में आ जाएंगे, तब क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पूरा लिख लीजिएगा। फिर हम अमाउंट दिखाएंगे किस तरह से, 1,50,000 का, तो इसने क्या दिया है, लोन दिया है, इंटरेस्ट कितना होगा। तो मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी हमारे पास क्वेश्चन में पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट नहीं देगा तो हम हमेशा 6% ही लेते हैं, ठीक। और यहां पर पूरे साल का चार्ज होगा इंटरेस्ट हमारा, तो ये हो जाएगा 6/100, ये 00 से 00 कैंसिल, 15 6 करेंगे तो 15 और 6 हो जाएगा हमारा 90, और 120 तो ये ऐड कर दिया, मींस 9000 हमारा आया इंटरेस्ट, तो हमने 9000 का इंटरेस्ट ऐड कर दिया। फिर निकाल लेंगे बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग निकालेंगे तो अब ये बताइए पीएल अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट हमारा कौन सा बनने वाला है, तो कहेंगे आप सर तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये पैसा ये कहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो लिखेंगे कि प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना ट्रांसफर होगा, तो देखिए 3,46,000 माइनस 9,000 कर देंगे अमाउंट आ जाएगा। तो देखिए 3,46,000 में से 9,000 किस तरह से माइनस करेंगे, पहले 6,000 निकाल दीजिए, यहां से 6,000 निकल गया, कितना बचा बचो बैलेंस, यहां पर 3,000 बचा, 3,000 और माइनस करेंगे तो क्या बैलेंस हो जाएगा, तो 40 - 3 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 3,37,000, ये बैलेंस आ गया हमारा। अब टोटल कर लेंगे तो टोटल बैलेंस हमेशा हम पैक कर देंगे फिर डबल कॉलम से, यहां पर ये हो गया हमारा इक्वल बैलेंस, और बैलेंस आया इधर तो 3,46,000 इधर भी हो गया, और ये देखिए 3,46,000 इधर भी हो गया, देखिए 7 ये है 7 और 9, तो 9 और 7 हो गया 16 का 6, 1 कैरी, 3 और 1 4, बैलेंस हमारा आ गया इक्वल। अब इसे हम पूरा पैक कर देंगे फिर, ठीक, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया पीएल अकाउंट। अब इसके बाद से क्या बनाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि देखिए यही पीएल अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, सेम फॉर्मेट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019, ये लिख दिया और फॉर्मेट बनाइए तुरंत, फॉर्मेट बनेगा सेम ऐसे ही बनेगा हमारा फॉर्मेट, कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस हमें अब अमाउंट की फिलिंग करनी है, कैलकुलेशन हमें पहले से पता चल चुका है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला वर्क होगा ये जो प्रॉफिट है इसको ट्रांसफर करके इधर लाना है, तो क्या लिखेंगे, बाय पीएल अकाउंट, और ये क्या है हमारा प्रॉफिट है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट जो भी कहिए, यहां पर 3,37,000 सबसे पहले नोट कर दिया। अब आ जाइए अपने स्टेप पे, तो देखिए क्या क्या हो चुका है, ये प्रॉफिट दिखा दिया गया था हमारा क्वेश्चन में यहां पर, और दिखा दिया गया ये लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन खत्म हो गया। अब चलिए आराम से जो चीजें बच गई उसको फिल करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा, तो चलिए अब इसको कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आता है, डेबिट साइड में, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने पार्टनर हैं, ए एंड बी, तो ए हो गया और बी हो गया, कितना आएगा, तो देखिए 5% है तो 5% निकलेगा 5,00,000 के ऊपर ए के लिए, और 5% निकलेगा 3,00,000 के ऊपर बी के लिए, तो यहीं से तुरंत कैलकुलेशन, 5,5 = 25,000, ए के लिए हो गया 25,000 और बी के लिए 5,3 = 15, और क्योंकि 00 कट रहा है 100 से, ये जल्दी लगाने के लिए 5,3 = 15, बिना पेंसिल उठाए पेन उठाए कैलकुलेट किए हम अपना अमाउंट को निकाल लेते हैं। तो टोटल अमाउंट इज 25 + 15, तो 25 और 5 हो गया 30, 30 और 10 हो गया 40, मींस 40,000 आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हो गया। अब आएंगे ड्राइंग के, तो क्या ड्राइंग दिखाते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, नहीं, पहले ही आपको बता चुका गया है कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, ठीक है, तो ड्राइंग तो आना ही, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दिखाते हैं, किधर आएंगे, क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि फर्म को मिल रहा है पैसा इंटरेस्ट का, तो लिखेंगे यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पूरा लिख लीजिएगा आप लोग ए और बी के लिए, कितना आएगा, तो देखिए 60,000 पे 6% निकलेगा। अब देखिए अगर कैलकुलेशन फास्ट करना तो कैसे होगा,
60,000 पे अगर 6% निकालना तो 6 6 36, ठीक है, तुरंत यहां पर वैल्यू आ गया, तो 3600 वैल्यू आएगी क्योंकि दो जीरो कट चुका है, और 3600 का तुरंत आधा कर दीजिए, वैल्यू आ गया इंटरेस्ट ऑन वेंचर ही दिखा देते हैं। यहां पर हमारा 60,000 है, 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 6% करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट दिया है, और अगर मंथ नहीं दिया रहता है तो क्या करते हैं हमेशा, 6 मंथली ड्रॉइंग का कैलकुलेशन होता है। ये देखिए 6 2 12, ठीक है, और ये देखिए 2 3 6, और ये देखिए 6 3 18, और ये 00 से 00 कैंसिल, आगे ये 00, ठीक है ना। तो ये हमारा कैलकुलेशन, जैसे 3600 आए तो 3600 का हाफ कर दिया हमने, 1800 आ गया ए के लिए, ठीक है, इसी तरह से बी के लिए। फास्ट करेंगे कैसे होगा, तो देखिए 6 4 24, दो जीरो कटा, 2400 आया, 2400 का आधा कर दीजिए, तो 24 का आधा कितना होता है 12, यानी आंसर आया इसके लिए 1200, ठीक है। ऐसे इसको भी कर सकते थे हम बिना ये कैलकुलेशन जल्दी से किए हुए, ऐसे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बस करते रहनी है, एग्जाम में बहुत टाइम बचने वाला है। फिर यहां पर अब दोनों को प्लस करना है, तो ये देखिए अब कैसे होगा, 1800 और 200 प्लस करें, तुरंत 2000, और 2000 फिर 1000 प्लस कर दिए, तो वैल्यू आ गई 3000, ठीक है। अब यहां पर क्या बचा वैल्यू, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो चुका, ड्रॉइंग के बेसिस पे कैलकुलेट हो गया, ये भी हो गया। अब क्या बचा, 20 कमीशन, तो चलिए 20 कमीशन दिखा देते, किधर आएगा पार्टनर्स कमीशन, क्योंकि बी पार्टनर है डेबिट साइड में, तो इधर आ जाएंगे, क्या लिखेंगे 2 20 कमीशन, ठीक है, कितना आएगा 20 कमीशन, 2% ऑन सेल्स, यानी कि 30 लाख सेल है, इसी पर 2% निकाल देना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो क्या करना, सबसे पहले ये 00 गायब, और ये हो गया 3 2 6 60,000, तुरंत वैल्यू लिखा हमने 60,000, कैलकुलेशन करने नहीं जाना ऐसे, ये तो एकदम सिंपल सिंपल है, तुरंत 00 काटा और 3 2 6 60, और ये हो गया 3000, 60,000, ये आंसर आ गया। अब हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू होगी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू हमारे इस क्वेश्चन के लिए, तो स्टेप बाय स्टेप इस वैल्यू को बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 20 कमीशन हो गया और ये सेल्स वाला पॉइंट हो गया, अब यही एक बचा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट मीन जो प्रॉफिट पार्टनर में डिवाइड होना है, उस प्रॉफिट का 10% इज टू बी केप्ट इन अ रिजर्व अकाउंट, और रिजर्व को किधर दिखाते हैं, इधर ही तो दिखाते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, याद होगा रिजर्व अकाउंट दिखा दिया। अब कितना आएगा 10% प्रॉफिट का जो पार्टनर को ट्रांसफर होना है, तो कितना ट्रांसफर होना है पहले वो निकालेंगे, तो ये देखिए 3,37,000 और 3000 प्लस किया तो वैल्यू हो गया 3,40,000। फिर देखिए इधर आइए, 60,000 और 40,000 मिलके कितना हो गया 1,00,000, तो देखिए तुरंत यहीं से 1,00,000 माइनस हुआ, वैल्यू आ गया 2,40,000, समझ में आया। अब इस 2,40,000 का 10% हमको ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, तो तुरंत कहेंगे सर अब हमको आ चुका है 2,40,000 है, तो आंसर इज 24,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, क्योंकि एक जीरो का कटा 100 वाला जीरो, और एक जो 100 में जीरो बचा वो कट गया यहां से, तो बचा देखिए 24,000। इसी तरह से हमें कैलकुलेशन करना होता है, तो यहां पर ये ट्रांसफर हो गया, वैल्यू जनरल रिजर्व में आ चुका है। अब फाइनल स्टेप क्या होगा, अब हम आराम से माइनस करेंगे और पार्टनर में जो बचा पैसा वो ट्रांसफर कर देंगे। कितना बचा है 3,37,000 में 3,000 प्लस किए थे तो आया था 3,40,000, अब इसमें से ये माइनस कर देना, तो ये तो 1,00,000 था, 1,00,000 और 24,000 मिलके हो गया 1,24,000, सो 1,24,000 माइनस कर देना है, क्या वैल्यू आ जाएगा, तो ये देखिए 000 तो यही दिख गया, 10 - 4 किए तो 6 हो गया, 3 - 2 किए तो 1 हो गया, और 3 - 1 की तो 2,16,000 आ गया, और यही 2,16,000 ए और बी में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको पहले ही पूरा चीज बता चुका गया, तो अब हम सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं, तो शॉर्ट में नोट करें, आप आराम से समझ जा रहे होंगे। ए और बी में ट्रांसफर होगा कितना पैसा, ये 2,16,000 ट्रांसफर होगा, ठीक है, किस रेशियो में, तो क्वेश्चन में तो हमारे रेशियो दिया ही नहीं है, तो तुरंत आप कहेंगे सर आप पहले ही बता चुके हैं कि अगर हमारे क्वेश्चन में रेशियो से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही रेशियो दिया है, ना ही ये कहा है कि कैपिटल रेशियो बनाइए, कुछ नहीं कहा है, तो रेशियो हमारा हो जाता है 1:1, मतलब इक्वल, तो यानी कि 2,16,000 का आधा आधा कर देना है, तो आधा चले कर दीजिए तुरंत, 1:2 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए 2 1 2 0 8, ठीक है, और 000 मींस 1,08,000 दोनों में आ गया, सो 1,08,000
8000 इधर भी, 1,08,000 बी में भी, ठीक। अब क्या करेंगे, फाइनल वर्क टोटल कर देंगे और इक्वल करके अपने क्वेश्चन को बंद कर देंगे। ध्यान से समझिएगा अभी पूरा क्वेश्चन हमारा, अभी आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देना है। 3,40,000 इधर भी आ गया, 3,40,000 इधर भी आ गया, ये हमने पूरा क्वेश्चन बंद कर दिया, ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट क्वेश्चन का। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन लगाइएगा तो ये जरूर देखिएगा कि हमारे पास जो लोन है वो लोन के साथ टू यूज किया है या फिर फ्रॉम यूज किया है। टू यूज किया था तो मतलब पार्टनर ने फर्म को दिया था, तो हमने आया था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट यहां दिया। अगर फ्रॉम होता तो हम आ जाते क्रेडिट साइड में दिखाते और फिर हम उसको करके अपना फिर ट्रांसफर करते। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था स्टूडेंट, और अच्छे से न्यूमेरिकल को पूरा आपको प्रोसेस देखना है। हमारा आंसर आया कि नहीं आया एक बार हम चेक कर लेते हैं। आपको इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। जो हमारा आ रहा है 1,08,000, 2,16,000 और यह है 3,37,000, ठीक है स्टूडेंट, हमारा आंसर आ गया है। अब आप क्या करना है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे पास बुक में दिए हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन से आप प्रैक्टिस करिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिए प्रॉब्लम को, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको वो वीडियो तुरंत मिल जाए। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो होगा हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अभी हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आने वाला है, हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप पढ़ाई करिए, कोई प्रॉब्लम होता है तो कॉन्टेक्ट करिएगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।